क्यू वैल्यू क्या चीज है? क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन में ये बताया गया है कि अगर आपके पास के रिएक्टेंट्स हैं एक्स और पी, तो एक्स के ऊपर बम्बार्ड किया पी पार्टिकल, वाई नया न्यू एटम निकला और क्या निकला, आउटगोइंग पार्टिकल कुछ भी निकला ओ, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे अल्फा चाहे बीटा कुछ भी निकला होगा, और साथ में क्यू फॉर एनर्जी निकली। अब किसी रिएक्शन में ये एनर्जी निकलती है और किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, दो किस्म से हो सकता है। तो ये रिजल्ट है कि अगर मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड आउटगोइंग पार्टिकल इज लेस, मतलब ये रिएक्टेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिससे रिएक्शन हुआ, इसका मास वो कहता है इन दोनों का मास अगर ज्यादा है और प्रोडक्ट और आउटगोइंग पार्टिकल का मास अगर सपोज कम है, तो आप सोचेंगे मेरा मास कहाँ गया, वो मास जो गायब हुआ वो किसकी फॉर्म में बाहर आ गया, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास इफेक्ट एनर्जी में आ गया, तो आपकी क्यू वैल्यू क्या कहलाएगी, पॉजिटिव। तो अगर आपका जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मास बड़ा है और प्रोडक्ट का मास छोटा है तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो यानी कि एनर्जी क्या होगी, प्रोसेस में रिलीज होगी। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोर्जिक रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोर्जिक रिएक्शन है। लेकिन अगर उल्टा है, यानी कि इसका मास अगर कम है, अगर मान लो इनका मास क्या है, कम है ना, इसका मास अगर ज्यादा है, इनका मास अगर ज्यादा है, तो क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी ऐसे केस में, नेगेटिव, उल्टी हो जाएगी। और अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है ऐसे केस में, इसको बोलते हैं एंडोअर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको ना क्यू वैल्यू के ऊपर न्यूमेरिकल आता है सीधा, आपको ना कोई रिएक्शन देगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस पी कुछ भी, तो आपको ना मासेस देगा हर के, तो आपको कैलकुलेट करके देखना होता है कि प्रोडक्ट के मास बड़े हैं या रिएक्टेंट्स के मास बड़े हैं, क्योंकि अगर रिएक्टेंट का मास बड़ा है प्रोडक्ट का मास छोटा है तो एनर्जी रिलीज होगी, नहीं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। वो पूछेगा कि क्यू वैल्यू किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव है, तो ये रूल याद रखना, अगर शुरुआती मास जो है, स्टार्टिंग मास जो है इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वो बड़ा है और यहाँ पर प्रोडक्ट का छोटा है, तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव है नहीं तो नेगेटिव है, तो ऐसे चेक करेंगे हम। न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन तेज भी हो सकता है, स्लो भी किया जा सकता है और स्टेडी स्टेट भी चल सकता है। नंबर ऑफ एटम अगर तेज टूटने स्टार्ट हो गए तो रिएक्शन तेज हो गया, कम टूटने स्टार्ट हो रहे हैं तो या स्लो हो रहे तो रिटार्ड कर रहे हैं, या स्टेडी रेट पे भी हो सकता है। तो डेफिनेशन है न्यूट्रॉन प्रोडक्शन फैक्टर के, न्यूट्रॉन प्रोडक्शन फैक्टर है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये रेशियो है। अगर के वन है तो रिएक्शन स्टेडी है, अगर के ग्रेटर देन वन है तो फिजन रिएक्शन एक्सेलरेट कर रहा है, और अगर के लेस देन वन है तो फिजन रिएक्शन रिटार्ड कर रहा है। देखो फिजन आ गया सिलेबस में अभी, ठीक है, तो फिजन बोल देगा क्या फर्क पड़ता है उसको, ठीक।